इस वक्त आप देख रहे हैं जो खास गाड़ी तैयार की गई थी उससे उतरे अनंत अंबानी। बाकी के जो मेहमान हैं वो पहले ही जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंच चुके थे, अपने पिता के साथ शादी के वेन्यू में आनंद जा रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीता अंबानी वो भी आपको नजर आएंगी। अनंत और राधिका मर्चेंट आज एक दूसरे के हो जाएंगे और अंबानी परिवार के घर एंटीलिया से बारात बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लिए निकली है। 8 बजे वरमाला की रस्म, रात 9:30 बजे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे। शादी की रस्में हालांकि दोपहर 3 बजे से ही शुरू हो गई थीं और शादी के जो बाकी कार्यक्रम है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। फिर कल यानी 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक मिनी रिसेप्शन होगा। 14 जुलाई को मेन रिसेप्शन। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल हो रही हैं। अलग अलग तस्वीरें, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, और एक तरफ मेहमानों के, खास मेहमानों के पहुंचने का, सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, और जो तमाम एक तरफ वो तस्वीर भी जब पूरा जो परिवार है वो एक फ्रेम में भी नजर आया। एक तरफ वो तस्वीरें जब अनंत अपनी विशेष तौर पर तैयार गाड़ी से बाहर आए और पिता उन्हें जहां शादी होनी वहां तक लेकर गए, और एक तरफ वो मेहमान, वो सेलिब्रिटीज जो लगातार पहुंच रहे हैं इस शादी में शामिल होने के लिए। फिल्म जगत के सितारे और ये बच्चन परिवार, गीत संगीत और जॉन सीना, साफा भी उन्होंने बंधवाया है खास तौर पर इस शादी के लिए। तो एक तरफ सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है, कार्यक्रम क्या कुछ होना है वो भी हमने आपको बताया। आज है अनंत राधिका की शादी, 3 बजे से रस्में शुरू हो चुकी हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। 14 तारीख को मेन रिसेप्शन भी होना है। आज मुंबई में अलग ही तरह की रौनक है, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने में शादी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी का भव्य समारोह चल रहा है। देश से लेकर पूरी दुनिया तक इस शादी के चर्चे हैं। आज अंबानी परिवार में हर तरफ खुशियां हैं, लोगों की जुबान पर मंगल गीत है, देश विदेश से मेहमान इस शादी में शरीक हुए हैं। हर कोई अनंत और राधिका को अपना आशीर्वाद दे रहा है। Yeah!
एंटीलिया से अनंत की बारात ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से निकली। जश्न में बाराती जमकर झूम रहे थे। दोपहर 3 बजे से शादी की रस्म शुरू हो गई थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी के कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां रात 8 बजे से वरमाला की रस्म होगी। लग्न, सात फेरे और सिंदूर दान की रस्म का समय 9:30 बजे से शुरू होगा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पारंपरिक ड्रेस कोड रखा गया है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इसको लेकर अंबानी परिवार में बेहद हर्षोल्लास है। दोनों शादी के अटूट बंधन में बंधकर 7 जन्मों के साथी बन जाएंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जानी मानी कई बड़ी हस्तियां मुंबई आई हैं। जिसमें राजनीति, उद्योग और खेल जगत की हस्तियां पहुंची हैं। यानी कल 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई मशहूर हस्तियां पहुंचेंगी। शादी से पहले वरवधु को आशीर्वाद के लिए एंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया, जिसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने संपन्न करवाया। ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए अनंत और राधिका दोनों ने पूजा की। साथ ही मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने पूरे विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक किया। पुजारियों की मौजूदगी में हवन और महाआरती के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। वहीं गायक कैलाश खेर और रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत और राधिका की शादी की रस्में 3 जुलाई से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज इन दोनों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग की गवाह पूरी दुनिया बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दुनिया भर से मेहमान पहुंच रहे हैं। इसमें नेता, अभिनेता और कई जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो शामिल हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कई विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे मेहमान पहुंचते रहे, उनका खास स्वागत किया जाता रहा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास अरेंजमेंट किए गए। ये विदेशी मेहमान शादी समारोह को लेकर बेहद ही खुश नजर आए। हम आपको दिखाते हैं इस सबसे खास शादी समारोह के लिए कौन कौन से मेहमान पहुंचे हैं। बेबी कॉम डाउन के लिए जाने जाने वाले सिंगर रेमा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए मुंबई पहुंचे। रेमा शानदार लुक में भारत पहुंचे। इस दौरान वे ब्लैक कलर की बेल बॉटम पैंट पर ब्लैक लेदर जैकेट पहने नजर आए। इस सबसे बड़े शादी समारोह में शामिल होने के लिए किम कार्दर्शियन भी मुंबई पहुंची। होटल पहुंचने पर उनका खास स्वागत हुआ। विदेशी मॉडल इन्फ्लुएंसर किम कार्दर्शियन और क्लो कार्दर्शियन हॉलीवुड की चमक दमक लेकर मुंबई आए हैं। दोनों ही काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए और हिंदुस्तानी अंदाज में इनका स्वागत किया गया।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अपनी पत्नी चेरी ब्लेयर के साथ शादी समारोह में शामिल होने मुंबई पहुंचे। उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य शादी के लिए मुंबई पहुंचे। उन्हें गाड़ी में बैठाकर होटल की ओर जाते हुए स्पॉट किया गया। प्रियंका चोपड़ा अपने पति हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए अमेरिका से मुंबई आई हैं। शादी समारोह के लिए पहुंची प्रियंका को पति के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी पर दुनिया की नजरें हैं और दुनिया भर से मेहमान शादी में शामिल हो रहे हैं। जहां एक ओर शादी में विदेशी मेहमान है तो वही देश के रीति रिवाज और परंपराएं देखने को मिल रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरें भी अब आने लगी हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग किस तरह से मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। कला जगत से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, इसके अलावा सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं, खास मेहमान जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो भी, उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। ये वो तस्वीरें हैं, तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। ममता बनर्जी आपको नजर आ रही होंगी, वो भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। लालू प्रसाद यादव अपनी फैमिली के साथ इस शादी में शिरकत करने पहुंचे।